हेलो जी, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? वेलकम टू ब्रांड न्यू व्लॉग। चलें जी, यहाँ पे हो रही है मज़े की बारिश, मौसम बहुत अच्छा है और आज हम आपको लेके चलते हैं, दो से तीन जगहों पे आपको लेके चलते हैं। वीडियो एंड तक देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इसी के साथ ही अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर लीजिएगा और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आए हैं न्यू मुल्तान होटल पे। ये हरम से 4 किलोमीटर दूरी पे है ना, अलशोगिया। यहाँ पे बहुत अच्छा खाना मिलता है और 24 घंटे इसकी सर्विस है ना। अच्छा जी, हम लोग आपको इसलिए लेके जाते हैं पाकिस्तानी होटल्स में क्योंकि जब हम किसी भी कंट्री में रहते हैं तो हम पाकिस्तानी खाने या इंडियन खाने जो हैं वो बहुत मिस करते हैं क्योंकि हमारा टेस्ट अलग है। हम स्पाइसी खाना खाते हैं, मिर्च मसालों वाला, बिरयानी हो गई, निहारी हो गई और भी बहुत सारी। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो पाकिस्तानी खाना ढूंढ रहे हैं और मिस करते हैं। तो आज हम आपको लेके चल रहे हैं एक और ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको पाकिस्तानी खाना मिलेगा। तो यहाँ पे ये देखो, ये मीठा भी ऊपर फैमिली वाला है ना, लेडीज़। अच्छा, फैमिली का ऊपर है नीचे। यहाँ पे टिक्का, बारबेक्यू सारा, ये देखें एकदम फ्रेश। आप ये पुलाव, अदरक डाली हुई है, धनिया, बहुत अच्छा लगता है। टेस्ट करके आपको बताते हैं कैसा है। बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। कैसे है रिजवान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त। शेफ कैसे है? मियां मियां। ये आ गया हमारे कबाब, तो ये हमारा चिकन टिक्का। कबाब भी आपको टेस्ट करके बताते हैं। गरम है यार। आला, बेहतरीन कबाब भी बहुत अच्छा है। चिकन टिक्का ट्राई करें। चलें जी, यहाँ पे आपको प्रॉपर पाकिस्तान वाला जो है ना टेस्ट मिलेगा। बहुत सारी जगहों पे लिखा होता है कि जी पाकिस्तानी आपको खाने मिलेंगे लेकिन आपको वैसा रियल टेस्ट जो है वो नहीं मिलता, लेकिन इस जगह से आपको प्रॉपर पाकिस्तानी देसी खाना मिलेगा। इसका बारबेक्यू, इसकी कढ़ाई और रोटी हो गई, हर चीज़ बहुत मज़े की है, बहुत मज़े की है। आप लोग स्पेशली जो उम्रे पे आते हैं वो ज़्यादा टाइम के लिए परेशान हो जाते हैं क्योंकि अरेबिक फ़ूड वो कितना खाएं। और मज़े की बात यह है कि यहाँ पे अरबी लोग भी इस खाने को पसंद करते हैं। यहाँ पे रश देख के आइडिया हो रहा है कि यहाँ का खाना कितना मज़ेदार होगा। तो बिल्कुल आप लोग जो है पाकिस्तानियों पहुँचे, आप यहाँ पे उम्रा करने आए हैं और परेशान हैं तो आप लोग ज़रूर पहुँचिए, खाना खाइए। हमारी मिठाइयाँ भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। अच्छा, खाना वाकई बहुत मज़ेदार था, हर चीज़ बहुत मज़े की, ऑथेंटिक पाकिस्तानी रेसिपीज से बनी हुई थी। चलें जी, आपको लेके चलते हैं कहाँ, वीडियो इसके लिए फिर आपको एंड तक देखनी पड़ेगी। Oh,
चलें जी, आपको लेके चलते हैं बहुत ही मज़े की आइसक्रीम जहाँ से मिलती है, ये वो जगह है। इस पे बहुत बेहतरीन किस्म की आइसक्रीम मिलती है। ये है शोदा अल इशारा, शोदा इशारा कैमरा। ये देखें रश, देखें इस आइसक्रीम लेने के लिए अलवेग की तरह आपको वेट करना पड़ता है और उतना ही रश होता है और यहाँ पे बैठने की कोई जगह नहीं है, तो आपको जो है बाहर जाके खाना पड़ता है। लेकिन यहाँ का टेस्ट जो है बहुत आला है, बहुत आला है, तो आप लोग ये भी ट्राई कीजिएगा। और इसी के साथ ही जब आप फर्स्ट टाइम किसी जगह जाते हैं और आपको आइडिया नहीं है कि आपको क्या लेना चाहिए, तो वहाँ की फेमस जो चीज़ है वो ज़रूर ट्राई करें। चले जी, यहाँ पे हमने करवा लिया है बिल और हम अब चलते हैं काउंटर पे जहाँ से हमने अपनी आइसक्रीम लेनी है। और यहाँ पे कम से कम 1-1.5 घंटा जो है हम लोगों के वेट करने के बाद हमें फाइनली आइसक्रीम मिली थी। अच्छा, आप लोग मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कि क्या आप लोग भी इस तरह वेट करते हैं, क्योंकि हर इंसान के अंदर इतना स्टेमिना नहीं होता कि एक चीज़ के लिए इतना इंतज़ार करे। ये देखें वाओ, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, माशाल्लाह। चलें जी, आइसक्रीम के हमने 2 फ्लेवर्स लिए हैं और इसका बाउल जो है वो इतना, आइसक्रीम नहीं खाती तबीयत ख़राब हो जाती है, मिंसा कह रही है। बोलो फिर से। जी, आज मिंसा का ये डॉक्टर के पास और डॉक्टर ने यही बोला है तो वही रिपीट करी है। खैर जी, मिंसा का मैसेज सुन लिया है, आइसक्रीम नहीं खाते तबीयत ख़राब हो जाती है। और यहाँ पे हमने 2 फ्लेवर्स किए थे जो कि बहुत बहुत मज़े के थे, बहुत मज़े की लगी। और इनका बाउल जो है वो भी काफ़ी अच्छा बाउल है कि 1 से 2 लोग बड़े आराम से खा सकते हैं। जो बहुत ज़्यादा मीठा पसंद नहीं करते तो 2 से 3 लोग जो है वो आराम से खा सकते हैं। और ये मट्टी के बाउल में जो है इन्होंने सर्व किया, सर्विंग भी इनकी बहुत अच्छी थी। टेस्ट करके इसका भी बताते हैं, खाएं खाएं, आप भी टेस्ट करें, हमें बताएं। चले जी, मुझे ये कुनाफा ही लगा है, कुनाफा आइसक्रीम। में भी मैं गलत हूँ या सही हूँ, आप लोगों ने मुझे जो है वो ठीक से बताना है कमेंट में। इसकी सारी जो फिलिंग थी ना वो सारी कुनाफा वाली ही थी। इसमें जितनी भी चीज़ें यूज़ हुई थी, इसमें सिवैयाँ यूज़ हुई हैं, देसी घी यूज़ हुआ है, तो ये कुनाफा आइसक्रीम ही मुझे लगी है। आज का व्लॉग जी आसिफ की तरफ से, मैंने सारा वॉइस ओवर किया है, मैं करती हूँ आई नो, लेकिन जितनी मैं चीज़ें, मैं यहाँ पे गई नहीं हूँ, मैं आसिफ के साथ नहीं थी, लेकिन ये सारी वीडियो देख के मुझे लग रहा है कि मैं भी आसिफ के साथ थी और हम सब ने मिल के इतना सारा इन्जॉय किया है। आई होप कि आज का व्लॉग भी आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट तो करते ही हैं आप। सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।